तो पीएम मोदी की खास बातें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके संबोधन में क्या कुछ खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया है, जिसके बाद से देश भर में जश्न का माहौल है। भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने भूमि पूजन की खुशी में भगवान राम के भजन गाए, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। साध्वी प्रज्ञा से बात की हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर जो प्रतीक्षा थी अब वो खत्म हुई है। राजधानी भोपाल, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो आज पूरी राममय भारत नजर आ रहा है। और अगर भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर दीदी की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि राम भक्ति में वो पूरी तरह से लीन है, मग्न है, क्योंकि एक बरसों का इंतजार था जो कहीं ना कहीं अब खत्म हुआ है। हम बात करेंगे दीदी, कितना इंतजार था और अब ये इंतजार खत्म हुआ है, आज भूमि पूजन भी हो गया। सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा थी जिस क्षण की, और लाखों करोड़ों लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, इस मंत्र का जो जाप कर रहे थे वो जाप सिद्ध हो गया और आज वो क्षण आ गया। मन इतना आह्लादित है, इतना प्रसन्न है, इतना परमानंद में है। अगर बात की जाए, क्योंकि कहा जिस टाइम वो मंजर था, उस अगर वो पल याद किए जाए तो पल कैसे थे जब आप भी वहाँ पर मौजूद थी और जब विवादित ढांचे के ऊपर तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। एक बहुत अच्छी घटना आपको बता दूं, जब मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई कार सेवकों पर, राम बंधु और कार सेवक उस ढांचे से गोली खा के गिर जाते हैं। आप विश्वास करिए कि उसी समय जब वो झंडा गाड़ रहे होते हैं ढांचे पे, उसी समय मुलायम सिंह के लोग गोलियां चला रहे होते हैं, कार्य सेवक गिर जाते हैं, लेकिन वहीं बंदर आकर के उस ध्वजा को संभाल लेते हैं। इससे बड़ी और प्रभु की कृपा क्या होगी। उसी दिन तय हो गया था कि अब ये बावरी ढांचा ढहके रहेगा और राम मंदिर भव्य बन के रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन उजनी की पार्टी के हैं दिग्विजय सिंह, जो आज सुबह भी ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि मूर्त सही नहीं है। हिंदुओं में भी कुछ कालनेमी होते हैं, तो उनका तो दुर्भाग्य है कि सनातन धर्म में जन्म लिया लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, प्रभु राम का नाम भी ले नहीं पा रहे, क्योंकि उनका दुर्भाग्य है। और मैं इससे बड़ा क्या कहूँ कि प्रभु जन्म देता है जिस कुल में देता है, जिस धरा पर देता है, जिस देश में देता है, कम से कम उसके नहीं हुए तो प्रभु राम के हो जाओ तो सबके हो जाओगे। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बिल्कुल, तो भोपाल की सांसद हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि जिस पल का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है, लेकिन यहाँ पर आज ये कहना गलत नहीं हुआ कि इस पल का इंतजार हर एक भारतवासी को था और आज वो पल पूरा हुआ है। भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है और उस जश्न में, उस उत्सव में पूरा देश आज सम्मिलित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।